आप सबको मेरा नमस्कार। जय भीम दोस्तों, आज जो मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हरिताली का तीज कौन करता है और क्यों करते हैं। तो हरिताली का तीज की तैयारी हमें कुछ दिन पहले ही करनी होती है, क्योंकि हर तीज पर हम कुछ नया करने की सोचते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हट कर और ये सीक्रेट हम किसी से शेयर भी नहीं करते हैं कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों, तैयारी से मेरा मतलब कपड़े, गहने, श्रृंगार की तैयारी, खाने में क्या क्या नया बनाना है, घर की साफ सफाई से लेकर बहुत कुछ शामिल होता है इसमें। दोस्तों, अब बात आती है कि तीज कौन कर सकता है। इसमें सबसे पहले आती है सुहागन महिला, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। हमेशा पति का प्यार हमारे साथ में बना रहे, व्रत में कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। दोस्तों, पूरा निर्जला व्रत होता है, क्योंकि हम कुछ खाते या पानी भी पीते हैं ना, तो उससे उसके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए हमें इसे बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। साथ में कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती है, कि उनका मानना होता है कि मन चाहा वर मिलता है, इसलिए कन्या बहुत शौक से इस व्रत को करती है। और पूजा करते समय किसी को भी नहीं बताती है कि उसने क्या मांगा है। इस प्रकार से महिलाएं व्रत करती है। लेकिन व्रत करने से क्या 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 सच में पति की लंबी उम्र होती है? अगर होती है तो अभी हम सब ने देखा है कि इन 2 सालों में कितने लोग बिछड़े हैं। तो क्या पत्नी का यह व्रत बेकार हुआ करना? ऐसा ही लड़कियां व्रत मन चाहा वर के लिए करती है, तो उन्हें भी मन चाहा मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सी दिक्कतें आती है मन चाहा वर पाने के लिए। अगर व्रत करती है तो हमारे साथ कुछ भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। माता पिता ने भी खुशी से उन्हें अपना लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हरिताली का तीज का मतलब हमें खुशियाँ देना है, न कि दुख। हमें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो हमें किसी व्रत पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्रत करने से हमें जो खुशी मिलती है तो ज़रूर करना चाहिए। तीज पर हमें कपड़े, गहने और कई प्रकार से हमारी आवश्यकता वाली नई चीज़ें आ जाती है, और हमारी खुशी तो इन तैयारियों में ज़्यादा होती है। या हमें व्रत करना है, पति को खुश रखना है, लेकिन पति व्रत से खुश नहीं होता है। दोस्तों, उन्हें तो जो प्यार और अपनापन देने से होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि पति को लगता है कि पत्नी ने हमारे लिए व्रत रखा है, इसलिए उसकी वो हर फरमाइश पूरी करते हैं। और पूरी करने के साथ में ना, पति जो होता है, पतियों का जो मानना होता है कि पत्नियां जो हमारे लिए कर रही है वो बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पति इससे दूर हो जाते हैं कि वो न चाहते हुए भी अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्या पति अपनी पत्नियों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ, वो खुशी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत, पूजा, पाठ और बहुत सारी ऐसी खुशियाँ जो पत्नियाँ देती है ना, वो पति नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, लेकिन पति को भी ये करना चाहिए कि अगर पत्नियाँ हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो हमें उन्हें खुशी देने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि पति हमें खुशी नहीं देते हैं। पति भी हमें बहुत खुशी देते हैं, क्योंकि अगर आज वो हमारे साथ में अगर नहीं होते, तो हमारी ये पूजा पाठ और इतने सारे जो हम लोग सोचते हैं ना, ये सब हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ना, हम जो करते हैं वो सही है, और पति जो करते हैं वो भी सही है। इसलिए हम दोनों को ना बहुत अच्छे से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा
एक दूसरे के साथ में खड़े रहना चाहिए कि पति जो कर रहा है वो भी सही है और पत्नी जो कर रही है वो भी सही है, क्योंकि वो दोनों जो भी करते हैं अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए ही करते हैं। इसलिए आज ये हरितालिका तीज ना जो भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे के लिए किया है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आज भगवान शिव को मानकर हम लोग। दोस्तों आज का मेरा ये हरितालिका तीज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं और आपके ऐसे प्यार को पाकर हमें भी खुशी मिलती है और ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने हमेशा लाते रहूँगी। तो दोस्तों हमेशा मेरे वीडियो को आपने सराहा है, तारीफ़ की है और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम।